वो हास्य व्यंग का कवि है जिसको कभी आपने जीनियस कवि युद्ध प्रोग्राम आता है उसमें देखा होगा। कई टीवी चैनलों पर लाफ्टर लेकर के कविता लेकर के और कभी ज्ञान की बात कर दे तो उसकी कविता अपने आप में जादू हो जाती है। उसका नाम होता है डॉक्टर अखिल आनंद। मैं चाहता हूँ कि आपके घनघोर पानियों के बीच उसे आमंत्रित करूँ। आओ डॉक्टर अखिल। आप लोगों ने मेरे सम्मान में जो घनघोर तालियां बजाई शांत तो ऐसे बैठ गए थे जैसे मुझे श्रद्धांजलि दे रहे हो। अच्छा भाई साहब फोटो खींच रहे हैं। एक ऐसे ले लेना भाई साहब, एक ऐसे ले लो। हाँ अब ये फोटो दो बनवा देना, एक मुझे दे देना और एक आप अपने घर के ड्राइंग रूम में टांग लेना, क्योंकि जब घर में आप नहीं हो तो कोई पड़ोस रहना चाहिए। प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन हो रहा है। अच्छा ये देखो नाश्ता वाले भैया बार बार आ रहे हैं और मैं देख रहा है ये नाश्ते की जो प्लेट में काजू किशमिश रसगुल्ले उसके बाद कुर्सियां खाली है साहब। हमारे सागर बुंदेलखंड में कभी सम्मेलन होता और बता देते ऐसा नाश्ता मिलना है तो ये कुर्सियां तो खाने ही वाला में भर जाती है। अरे तेरे सागर जैसे ठलुए थोड़ी है रे घर के लोग। नहीं भाई साहब नाम प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन है और बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन सजाया गया और दूर दूर से पकड़ कर कवियों को बुलाया गया और महफिल जो सजी है वो बिल्कुल ठीक है और इस सजी हुई महफिल के सच्चे हकदार लक्ष्मी कांकर भी है। वाह भाई वाह वाह वाह। इनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दो। भाई साहब देखो कान में कुछ कह रहे हैं। अच्छा भाई साहब कोड वर्ड बता रहे हैं। हाँ चले गए तो हमारे जो लक्ष्मीकांत भैया हैं इनके सम्मान में एक बार इसलिए भी ताली चाहूंगा दोस्त। आज सुबह जब हम 5 बजे आए 5 बजे से लेकर 8 बजे तक कभी भी हैं संयोजक भी हैं जो आतिथ्य व्यवस्था इन्होंने की और सिंगरौली की छोटी सी धरती पर बड़े बड़े कवियों को जो लाने का जो कार्य किया है इतनी शिद्दत समर्पण और त्याग से सुबह से शाम तक अगर लगे रहे तो वो हमारे लक्ष्मीकांत भैया निर्भीक भैया का जज्बा था कि आज ये कवि सम्मेलन यहाँ पर हो रहा जोरदार तालियां होते हैं। और हमारे निर्भीक भैया ने जैसा जैसा लिख के दिया था हमने वैसा वैसा बोल दिया। अब ये मेरे बारे में बोलेंगे जब इनका नंबर आएगा तो देखो ये भाई साहब बता रहे थे जब कि अनिल भैया है ये कई देशों में गए कई देशों में इनके कार्यक्रम हुए तो भाई साहब पता है मैं भी 3 देशों में गया। वो 3 देश थे भारत इंडिया और हिंदुस्तान। अरे वाह। मैं तो बता रहा भाई साहब मैं कई ऐसे देशों में गया जो अभी तक बने ही नहीं है। नहीं मैं तो बता रहा आवाज कम है माइक पे ही रहो। माइक वाले भैया हो तो उसकी आवाज बढ़ा दो हमारी थोड़ी सी कम है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ नाश्ता वास्ता चल रहा है बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन है बहुत बढ़िया हंसाने का कार्यक्रम हो रहा है फोटो वोटो खींचते रहना तो बता रहे थे हमारे दुबले पतले पद की बातें हो रही थी तो बहुत दुबला है पतला है मरा मराया सा है मेरी बहन जी बैठी है देखो मुस्कुरा रही। अच्छा पिछले कवि सम्मेलन में था तो एक भाभी जी देख के मुझे मुस्कुरा रही थी तो मैंने कहा भाभी जी मुझे देख के क्यों मुस्कुरा रही हो। अब वहां से भाभी जी बोली भैया तेरी शकल मेरी सास से मिला है। ये भाई साहब ये बातें हास्य मस्ती की तो मैंने बताया मैं तो इतना दुबला पतला आदमी हूँ भाई साहब कि मच्छर भी मुझे काटने आता है तो सोचता है इसका खून पीऊंगा इसको देके जाऊं। नहीं मैं तो सच बता रहा इतना दुबला पतला आदमी हूँ भाई साहब कि गणित की कक्षा में जब मेरे साथ वाले बच्चों के पास स्केल नहीं होता था। अरे वाह अरे वाह। जब गणित की कक्षा में मेरे साथ वाले बच्चों के पास स्केल नहीं होता था तो मुझे वो कापी में लाइन खींचने के लिए मुझे ही लिटाकर लाइन खींच देते थे
नहीं है की बात नहीं, मैं तो सही बता रहा। मैं बहुत दुबला पतला आदमी हूँ, अच्छा बता रहे थे डॉक्टर है। जब मैं डॉक्टरी करता हूँ अस्पताल में तो मरा मराया सा मरीज आता है, मुझे देख के सोचता अपनी हालत ज्यादा अच्छी है। नहीं मैं तो बता रहा हूँ दीदी, वो कई बार मैं चौराहे पे गया, वो रक्तदान शिविर लगे थे, तो रक्तदान शिविर लगे थे अपन दुबले पतले आदमी, तो अपन ने देख के कहा अपन को भी रक्तदान देना है। कलेक्टर साहब बैठे थे, बोले उनको सर्टिफिकेट दो। हमने कहा अपन ने तो रक्तदान किया ही नहीं है। बोले ये तुम्हारे हंसने के लिए है। फिर मैंने रक्तदान करा साहब, रक्तदान करा। हालांकि जब दो रक्तदान दो बाटल मुझे चढ़ाई गई तब मैं होश में आया। ये मैं बता रहा भाई साहब, ऐसी ऐसी बातें, दोले पतले बन की बात कर रही। ये लक्ष्मी भैया के साथ में घूम रहा था एक बार रीवा में, तो वो आजकल आपने देखा हाथ में टैटू बनाने का प्रचलन है, तो लक्ष्मी भैया मुझे ले गए रीवा, तो एक चौराहे पे हाथ में टैटू बना रहा था, तो मैंने देखा वो हाथ में टैटू में शेर बना रहा था। मैंने कहा लक्ष्मी भैया मुझे भी हाथ में शेर बनवाना है। बोले बनवा लो। मैंने टैटू वाले से कहा भैया मेरी भी कलाई में शेर बना दो। टैटू वाले ने कहा भैया अपनी अस्तीन चढ़ाओ। अपन ने अपनी शर्ट का बटन खोला, अस्तीन चढ़ाई, उसने अपना दुबला पतला हाथ देखा। बोले भैया इसमें शेर नहीं बने, इसमें तो सांप ही बने। शेर बना रहा था, अब मजा आया तो ताली बजाना। मैंने कहा अबे अभी तक तो इसमें तू शेर बना रहा था, अब बोल रहा सांप ही बने। बोले भैया जल्दी बनवा लो, अगली बार आओगे तो केंचुआ ही बने। अरे भाई साहब, अरे वाह, अब वो हंसी के साथ दुबले पतले पन व्यक्तियों के साथ हो जाती। अच्छा वो एक बार और एक घटना गई, मैं सुनील भैया के साथ घूम रहा हूँ उनके शहर में, तो सुनील भैया बोले आ घुमा के लाए। मैंने कहा चलो। सुनील भैया हमें चौराहे पर ले गए। अच्छा चौराहे पर घुमाने ले गए तो एक वो 30-32 साल की महिला देखकर मुझे मुस्कुराई। अपना चेचे जैसा है कि अपन को महिलाएं देख के नहीं मुस्कुराती, लेकिन वो 30-32 साल की सुंदर महिला देख के मुस्कुराई, अपन को देख के मुस्कुराई, तो अपन ने पलटी बदली, सुनील भैया का साथ छोड़ा और उस महिला के पास चले गए। मुझे देख के क्यों मुस्कुरा रही हो? महिला ने कहा मेरे घर चलिए। अच्छा अपन को मुस्कुरा रही थी, अपन ने बोला घर जाने के लिए कह रही, सुनील भैया को छोड़ा अपन उस महिला के साथ घर चले गए। मुझे वो घर ले गई, उसने अपने सोफे पर बैठा ला, फिर उसने दरवाजे बंद कर दिए, दरवाजे बंद कर दिए। फिर वो चाय लाई, नाश्ता लाई, फिर धीरे से बोली अपनी शर्ट उतारो। अपन ने अपनी शर्ट उतार दी, फिर बोली अपनी सेंडू बनियान उतारो। अपन ने अपनी सेंडू बनियान उतार दी, फिर वो अंदर गई, अपने 6 साल के बच्चे को लाई और बोली बेटा चवनप्राश खाया करो, नहीं तो ऐसे हो जाओगे। मस्ती की बातें। तो ये देखो सिमरौली बहुत टैलेंटेड शहर। जब मैं घर आया तो लक्ष्मी भैया मुझे बच्चों से मिलवाने ले गए, तो मैंने ये टैलेंटेड शहर है साहब, टैलेंटेड बच्चे हैं। मैंने बच्चे से कहा बेटा बताओ दशमलव किसे कहते हैं? बोले भैया कक्षा 10 में हुए लक को दशमलव कहते हैं। ये भाई साहब हास्य और मस्ती की बात है। अच्छा ये सिंगरौली के लोग बहुत टैलेंटेड होते साहब। मैं थोड़े से आगे गया तो वो तीन व्यक्ति बैठ के एक साथ चाय पी रहे थे। एक था दिल्ली का। अच्छा भाई साहब कुछ हो गया? नहीं हुआ। अच्छा कुछ कान में कह रहे थे क्या? नहीं। अच्छा हाँ। तो वो तीन व्यक्ति बैठ के चाय पी रहे थे। एक वो सिंगरौली का था, एक वो दिल्ली का था और एक मुंबई का था। अब आपके अंदर सिंगरौली का व्यक्ति जिंदा हो और बात समझ में आए तो ताली बजाना वरना मन बजाना। एक वो मुंबई का बैठा था, एक दिल्ली का बैठा था, एक सिंगरौली का बैठा था। तीनों लोग कांच के गिलास में चाय पी रहे थे। तो दिल्ली वाले ने पहले कांच के गिलास में चाय पी, गिलास को उछाला और गोली मार दी और बोला हम दिल्ली के हैं, जिस गिलास में चाय पीते हैं उस गिलास का दोबारा प्रयोग नहीं करते। फिर वो मुंबई वाले ने चाय पी और गिलास को उछाला और कुर्सी को गोली मारकर कुर्सी तोड़ दी और बोले हम मुंबई के हैं,
जिस कुर्सी पर बैठकर चाय पी ले उस कुर्सी पर बैठकर दोबारा चाय नहीं पीते। अब वो सिंगरौली के व्यक्ति की बारी थी, उसने चाय पी, गिलास को उछाला, बंदूक उठाई और उन दोनों को गोली मार दी। बोले हम इनके साथ चाय पी लेते हैं, हम उनके साथ चाय नहीं पीते। तो भाई साहब देखो ये हास्य की बातें हैं, हास्य की बातें। अच्छा ये क्या हर जगह समस्या फंसी पड़ी है, घर में परिवार में देख लो, समाज में देख लो, हर जगह देखो साहब की समस्या मोबाइल पे शुरू हो गई, घर से फोन आ गया, तो हर जगह समस्या फंसी पड़ी है। वो भारत और पाकिस्तान पे समस्या हो रही, भारत और पाकिस्तान की सीमा पे समस्या हो रही साहब। तो ये सीमा थी और एक भारत और पाकिस्तान की सीमा पर एक मुर्गी ने अंडे दे दिए, अब मजे लेना। मुर्गी ने अंडे दे दिए तो अब लड़ाई हुई। भारत का कर्नल बोला ये अंडा मेरा, पाकिस्तान का कर्नल बोले ये अंडा मेरा। अब वो सीमा के बिल्कुल बीच में अंडा दिया, अब अंडा किसका? तो वहां से पाकिस्तान का कर्नल, यहाँ से भारत का कर्नल, दोनों लड़ रहे थे। अंडा किसका? अंडे सीने पर था। दोनों ने एक शर्त लगाई, बोले जो जिसको ज्यादा चांटे मारेगा ये अंडा उसका हो जाएगा। दो मिनट में चांटे मारने हैं, जो जिसको ज्यादा मारेगा ये अंडा उसका हो जाएगा। पाकिस्तान कर्नल, पाकिस्तान वाले कर्नल ने सोचा चलो अपन एक काम करते हैं, पहले ये मौका भारत के कर्नल को दे देते हैं, ये जितने भी दो मिनट में चांटे मारेगा अपन उससे एक ज्यादा मार देंगे और ये अंडा ले लेंगे। अब वो भारत का जो कर्नल था साहब बिल्कुल सिंगरौली का था, उसने तो सबसे पहले पाकिस्तान वाले के पकड़े बाल, एक हाथ से पकड़े हाथ और दे तड़ातल दे तड़ातल। आप लोग मेरे साथ बोलो दे तड़ातल दे तड़ातल दे तड़ातल दे तड़ातल। और पूरे दो मिनट में 578 चांटे मारे। अब बारी थी पाकिस्तान के कर्नल की, 578 चांटे मारने के बाद वो धराशायी हो गया। अब जैसे तैसे उठा, बाल बाल उसने सही किए और उसने बोला अब बारी मेरी। भारत का कर्नल बिल्कुल सिंगरौली का था, मजा आए तो ताली बजाना। भारत का जो कर्नल था बिल्कुल सिंगरौली का था, बोले काय की बारी? बोले चांटे मारने की। भारत का कर्नल बोला ये ले जांडा। ये भाई साहब हास्य की बातें हैं। माइक वाइक बहुत बढ़िया है, आवाज आवाज बहुत बढ़िया है। अच्छा क्या है, माइक और बाइक दो चीजें होती हैं भाई साहब, और माइक और बाइक में एक अंतर होता है। अगर ये अंतर समझ में आ जाए तो मजा लेना। माइक के सामने अपन बोल सकते हैं पर बाइक के सामने अपन बाइक के सामने अपन नहीं बोल सकते। और माइक हम एक साथ दो चार लगा सकते हैं पर बाइक नहीं लगा सकते। और अब आनंद लेना कि माइक अगर खराब हो जाए तो दूसरे का ले सकते हैं पर बाइक अगर खराब हो जाए तो और अंतिम बात कि माइक यदि बिगड़ जाए तो बंद हो जाता है, लेकिन बाइक अगर बिगड़ जाए चालू हो जाती है। वाह वाह वाह।